जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, तू साढ़े पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तेरा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन इस टाइम मैं मौजूद हाँ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ बाबर थिएटर से, असं इस टाइम मौजूद हैं जितना आज आर्टिस्ट एसोसिएशन के तरफों हलफ बरदारी की गई और सर इस टाइम मोस्ट सीनियर शख्सियत मुल्तान की अगर असं गल करें तो आप एज ए आर्टिस्ट भी बहुत सारा काम कर चुके हैं, आप एज ए डायरेक्टर भी बहुत सारा काम कर चुके हैं और इस टाइम मौजूदा भी आप बाबर थिएटर के डायरेक्टर यूसुफ कामरान साहब सर मौजूद हैं, आप आर्टिस्ट एसोसिएशन के सरप्रस्त आला हैं। आया क्या आई दे अलब बरदारी दे विच असा हमेशा तो लिखा है कि तुसा आर्टिस्टा दे वास्ते बहुत सारा काम किया है और कोशिश की है, सकूँ छोटी छोटी चीज़ें ऐसा जड़ियाँ सारिया आर्टिस्ट एसोसिएशन को नाकाम कर आज दे जड़ी तुसा तब्दीलियाँ गिन के आए जो हूँ नवा मंशूर है पहले तो वह दसो कि क्या है मंशूर? एक बात का है, फन और फनकार की खिदमत, दूसरा कोई लफ्ज़ नहीं। जो अहदेदार फनकार की खिदमत करेगा, फन की खिदमत करेगा, मंशूर तो सारा उन्होंने बता दिया पढ़ के। मेरा मंशूर एक लफ्ज़ का है, फन और फनकार। सिर्फ फनकार की जो खिदमत करेगा अहदेदार एसोसिएशन खिदमत करेगी, हम उसके साथ हैं और तमाम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। ये बनाई सिर्फ फनकारों के लिए है और इंशाल्लाह मेरी मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो अहदेदार चुने हैं या सबकी मुत्तफिका राय से पहले भी कुछ काम करते रहे हैं, कुछ नए भी हैं, तो इंशाल्लाह करेंगे। आपकी मोहब्बतें चाहिए, इंशाल्लाह हम इसको 2 महीने बाद आपको दोबारा इंटरव्यू देकर बताएंगे कि हमने क्या किया है। हाँ यूसुफ साहब, आज के मौके पर सिर्फ 2 सवाल करे सारी नज़र के मुताबिक टीवी फिल्म स्टेज और जो आर्ट के वाबस्ता है वह आर्टिस्ट है या जो दीगर लोग अपने आप को मतलब जिन्हों का आर्ट के दूर दूर तक वास्ता कह नहीं लग सारी एसोसिएशन भी शामिल थी वेंदन और अपने आप को आर्टिस्ट सद वेंदन। अगर कोई ऐसी बात किसी फनकार के नोटिस में आए, आप मीडिया से मीडिया के नोटिस में आए, तो एक लम्हे से पहले हमें बताया जाए। ये सिर्फ फनकारों के लिए है जो शोबिज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए है। और कोई गैर मुतल्लिका शख्स अगर कार्ड बनाने की कोशिश करता है तो इंशाल्लाह ऐसा अब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिरी गल करें सा झोक टीवी वसेब दी आवाज़ हमेशा तू सरायकी वसेब दी अगर असा गल करूँ या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की गल करूँ तो हमेशा तू फनकारा की भी आवाज़ रहा है और बाकी दीगर मसायल तो भी तुम लिखा कि झोक टीवी पेश खड़ा हूँ। झोक टीवी की अगर असर नुमाइंदगी की गल करें फनकारा के हवाले तो कितने परसेंट मुतमिन है? झोक टीवी से मेरा ख्याल है कि मैं जितना मीडिया पर देखता हूँ इसको, मेरा ख्याल है कि 100% मुतमिन है। आप जो कवरेज कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, पता नहीं इसकी अर्निंग आपको होती है या नहीं होती, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप काम पूरा कर रहे हो जैसा कि आपको मुल्तान के लिए करना चाहिए, जनूबी पंजाब के लिए करना चाहिए। आप जनूबी पंजाब को उठा के ऊपर रखा हुआ है, अल्लाह आपको हिम्मत दे ऐसे ही रखे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन सर ने गुफ्तगू करते पहले यूसुफ कामरान साहब, आप सीनियर डायरेक्टर हैं और असं इटम मौजूद से बाबर थिएटर के उत्ते जुड़े रहो झोक टीवी वसेब दी आवाज़ मेज़बान रिजवान हुसैन को, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।